मोदी जी की जब सरकार आई थी तो चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया कि भाई हम अगर हमारी सरकार आ गई तो हम काला धन वापस ले आएंगे, काला धन बंद करवा देंगे, ये जो मनी लॉन्डरिंग जिसको कहते हैं इसको बंद करवा देंगे। ये भी दावा किया गया कि भाई अगर काला धन वापस आ गया तो फिर हर नागरिक को कई लाख रुपए मिल सकते हैं। अब वो सब तो खैर कुछ हुआ नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक SIT ज़रूर बनाई गई काले धन के ऊपर। मैंने तो जब मोदी जी की सरकार बनी तुरंत जून 2014 में ही मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई हम वापस लाना चाहते हैं या इसको रोकना चाहते हैं, तो कम से कम दो बड़े ज़रिए जिसके द्वारा काला धन जो है लॉन्डर होके हिंदुस्तान में ही इन्वेस्ट किया जाता है उसको तो बंद करिए। वो पहला तो पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसके द्वारा लोग अपना काला धन लॉन्डर करके स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, और पार्टिसिपेटरी नोट्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि कौन उसका ओनर है, कौन होल्डर है उस पार्टिसिपेटरी नोट का, उसका पता नहीं लग पाता, और इसलिए जो जिनके पास काला धन है वो पार्टी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से कई देश हैं जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, मॉरिशस है, केमन आइलैंड है, जहाँ के कानून ऐसे हैं कि वहाँ बैंक में किसका पैसा है, कंपनियों में किसका पैसा लगा है, उसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं होती, किसी को नहीं पता लगता। उन देशों में से कंपनियां हिंदुस्तान में अपना निवेश करती हैं और हिंदुस्तान को की अथॉरिटीज़ को नहीं पता लगता कि भाई इसमें किसका पैसा लगा है। तो मैंने मोदी जी को और SIT को लिखा था कि भाई इसको तो बंद करिए, हिंदुस्तान में अगर कोई पैसे का निवेश किया जाता है तो कम से कम सरकार को और अथॉरिटीज़ को, रिज़र्व बैंक को ये पता होना चाहिए कि किसका पैसा है, और इसलिए पार्टिसिपेटरी नोट्स को या तो बंद करिए या उसमें ये पाबंदी लगाइए कि भाई ये पता होना पड़ेगा कि भाई किसके पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं। इसी तरह से टैक्स हेवंस से जो कंपनियों का पैसा आता है उसमें भी पता लगना पड़ेगा, कानूनन पता लगना पड़ेगा कि भाई किसका पैसा है, इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। आखिर में एक महीना पहले SIT ने सरकार को ये रिकमेंड किया कि भाई आप पार्टिसिपेटरी नोट्स और जो टैक्स हेवन से जो कंपनियों का निवेश होता है इनमें पारदर्शिता लाइए, इसमें कम से कम रिजर्व बैंक और सरकार को ये पता होना चाहिए कि किसका पैसा है, नहीं तो ऐसा एनोनिमस पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये काले धन का और मनी लॉन्डरिंग का बहुत बड़ा जरिया है।